के तुलना में बड़ा तालाब, दूना तालाब, पाछू तालाब को सहेजने और सौंदर्यीकरण के नगर पालिका के तमाम दावे अब कागजी साबित हो रहे हैं। तालाब के आसपास गंदगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी सफाई के लिए नगर पालिका कोई कदम नहीं उठाती। लोगों का कहना है कि तिल्दा नेवरा की पहचान बड़ा तालाब है, जो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। कई बार लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर। पानी है ना, एकदम बदबू आवत है और एकदम लद्दी है। तालाब के पानी जाथन से एकदम बूढ़े पर तो रहे हो जाते, एकदम सिकसिक गंदा हुआ थे कि नाली पानी है आवत है, तो नाली पानी बंद कर नाली ला और तालाब में बोर लगवाओ, अब तो साफ होगा। इस जमाना मालू जारमन के समय तालाब है, अब ये तालाब में आज विगत 58 साल मुहिल हो गए तालाब ने देखा देखा। रमेश बत्रा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रमेश, अगर कागजों पर ही सौंदर्यीकरण करना है और चीजों को डेवलप करना है तो फिर ग्रास रूट लेवल पे भी योजना बनाने की जरूरत ही नहीं है। जी रश, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तालाब है वो ब्रिटिश जमाने का तालाब है। उसके बाद भी माने करीब पहले इसमें ऐसा होता था कि लोग यहाँ का पानी पीते थे, आज हाथ धोने से भी कतरा रहे हैं। वजह क्या बताई जाती है? जो गंदी नालियों का पानी है वो पूरा पूरा का पूरा तालाब में आता है और उससे पानी और निकासी का रास्ता है नहीं। ठीक है, जब शहर का खाका तैयार किया गया तो क्या सिर्फ यही देखा गया कि तमाम नालियों का जो पानी है, जो निस्तारीकरण का जो पानी है, वो सीधे सीधे निकासी के जरिए सीधे तालाबों में छोड़ दिया जाए? उसके लिए कोई दूसरा प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया गया? मतलब प्लान ए के बाद प्लान बी है ही नहीं क्या? क्या कर रहे हैं इंजीनियर जितने जो बैठे हुए हैं? ये यहाँ पे बस यही है, अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ पे लोग सिर्फ जिस समय भी इन्होंने जिस समय ये नालियाँ बनाई तो उस समय इनको ये देखना था कि पूरी। आपको रोकना चाहूंगी रमेश, इस वक्त सतीश निस्वाद पार्षद है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पार्षद है मुख्य नगर। सतीश जी, क्या किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? और क्योंकि आप जिम्मेदार पार्षद हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं अपने एक वार्ड का, तो कहाँ से नालियों का जो बनी हुई है उसका निस्तारण कहाँ से हो रहा है, निकासी कैसे हो रही है, जो सीधे सीधे जाके तालाबों में मिल रहा है पानी? चुले में तो निकासी का रास्ता है ही नहीं इसमें, इस तालाब में। इसका कारण ये है कि इससे पहले जो इसका लेवल वेवल जो था उसको मिला के बनाया नहीं था निकासी का रास्ता, जो बहुत ऊपर हो गई और पानी नीचे होने के कारण उसका निकासी का रास्ता बंद हो गया है। तो अभी क्योंकि आप पार्षद हैं, आपके साथ कई तमाम पार्षद भी मिलके जब ये समस्या है, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं रमेश, वो बता रहे हैं कि किसी जमाने में इस तालाब का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। हाँ। रमेश जी सही बोल रहे हैं कि पानी और पीने लायक। अब ये स्थिति आ गई है कि लोग अपने जानवर भी नहीं छोड़ रहे हैं कि कहीं जानवर ही इस गंदे पानी से मर ना जाए, बीमार ना पड़े। ये उसमें एक्चुअली में मैम उसमें बहुत बड़ा बहुत सारा वो हो गया, कीटाणु हो गया, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में जोंक बोलते हैं, और जो बाजू में एक और उसका पैठू है उसमें पूरा जल कुंभी से भरा हुआ है मैम। मतलब जानवर यदि उसमें जाएगा तो वापस जिंदा वापस नहीं आएगा, ऐसी स्थिति है। अब ये स्थिति हो गई है सतीश जी, क्योंकि आज आप पार्षद हैं, कल आप महापौर बनेंगे, फिर विधायक बनेंगे, फिर आप सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, हो सकता है सीएम बने, फिर आप पीएम भी बने। क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है? जी मैं इसके लिए तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी को निवेदन किया हूं। आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त लेमिक्सा गुरु जहेरिया हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। लेमिक्सा जी बहुत स्वागत है, शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। जी मैडम, क्योंकि आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं और जो स्थिति तालाब की हो गई है इसको लेकर क्या आप लोगों ने कभी विचार किया कि नहीं ये स्थिति नहीं होनी चाहिए? जिस तालाब का पानी लोग पिया करते थे आज उसके आसपास से गुजरने से भी लोग गुरेज कर रहे हैं, क्या तैयारी आप लोगों की? जी उसका प्रस्ताव अपन मंत्री जी के पास भेजा जा चुका है। कब भेजा मैडम? ये 19/6/5 को भेज दिया गया है। 19/6/2020 को। जी जल्द ही इसमें कार्य किया जाएगा। मैडम एक बार फिर से आप डेट बताइए, कब भेजा था आपने ये? जी कब भेजा था ये आपने मंत्री जी को, कब भेजा था कि यहाँ पे कार्य होना है?
5/2020 को भेज दिया गया है। 6/7/2000 6/5/2020 को, ठीक है मैडम। क्योंकि अब इस क्षेत्र की समस्या तो ऐसा तो है नहीं है कि आज शुरू हुई या कल शुरू हुई या 6/7/2020 को ही शुरू हुई, समस्या तो बहुत पहले से है। जिम्मेदार पद पर आप आसीन हैं, आपको जनता ने सुन के भी भेजा है, तो अब आप बताइए इतना वक्त आपको भी क्यों लगा। हेलो मैडम, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बोलिए। हाँ, मैंने ये सवाल आपसे कहा है कि जिम्मेदार पद पर आप हैं, इतना वक्त आप लोगों को सरकार के पास ये मतलब दिक्कत है, यहाँ पे मरम्मतीकरण होना है, सफाई होना है, इसको इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना वक्त क्यों लगा कि आपने सरकार को ही, मंत्री जी को ही बहुत लेट अवगत कराया? जी, इसकी जानकारी अपन दी गई है कोरोना के नाम से। मैडम कोरोना, मैडम तालाब गंदा कोरोना काल में थोड़ी ना हुआ है, सदियों से गंदा चला आ रहा है। जी, जल्दी इसकी कार्रवाई की जाएगी। कब तक मैडम, एक डेट बताइए कब कार्रवाई होगी, तब आप मुझे बता दीजिए, मैं तब तक आपसे, आपको बिल्कुल टच नहीं करूंगी। एक महीना, दो महीना, साल भर, दो साल, ढाई साल, आप मुझे एक स्पेसिफिक और एग्जैक्ट डेट बताइए कि इस तालाब के पानी को आप पुनः वैसा करवा देंगी जैसा कुछ साल पहले इस तालाब के पानी को लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। आप मुझे आज डेट बता दीजिए, तब तक हम और हमारा सहयोगी आपको कॉन्टेक्ट ही नहीं करेंगे। आप मुझे डेट बताएं, जिम्मेदार पद पे हैं आप। मैं अभी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। मैडम तुरंत कार्रवाई की ही जा रही थी अभी तक। चलिए, मंत्री जी की तरफ से कोई जवाब आया कि हाँ ठीक है, हम इसका सफाईकरण करेंगे, यहाँ पे सफाई होगा, गहरीकरण होगा और पानी को निर्मल और स्वच्छ करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की जाती है? तो आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या शुरुआत की? परिषद की बैठक में इसको रखा जाएगा। और मैडम बस वही रटा रटाया जवाब, परिषद की बैठक में रख दिया जाएगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा, हम आगे कार्रवाई करेंगे। मैडम कार्रवाई कभी नहीं होती, ये आप मान लीजिए। इस देश में सबसे आसान तरीके से अगर किसी को कुछ दिया जाता है तो वो सिर्फ आश्वासन है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। और उस आश्वासन को देने के बाद आप जैसे तमाम जिम्मेदार लोग भूल जाते हैं कि कभी किसी को आश्वासन दिया था किसी काम के लिए। अगर आश्वासन दे रहे हैं तो उस पर प्लीज, मैम आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज आप उस पर खरी उतरिए। और इसके बाद जब मैं आपसे एक महीने बाद या 15 दिन बाद मैं आपसे फॉलो अप लूँ तो कम से कम आप कहें कि हाँ मैंने आपसे बातचीत की थी, देखिए हमने काम शुरू कर दिया है। कुछ और कहना चाहेंगी आप? मैं इस काम को पूर्ण करूंगी और जल्दी करूंगी। हम उम्मीद करते हैं, आपके स्थानीय पार्षद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, यहाँ पे लेमिक्षा जी जो नगर पालिका अध्यक्ष कह रही हैं कि जो आश्वासन दिया है उस कार्य को पूरा किया जाएगा, आप कितने सहमत? जी मैम। कितने सहमत आप? मैं पहला लेटर तो मैम जनवरी में ही पहले दे दिया था, जब इनका अध्यक्ष महोदया जी का वो था समारोह था, तो यांत्रिक मंत्री जी आए हुए थे, उसी समय रुद्र जी को मैं ये लेटर दिया था तालाब को लेकर। तालाब की स्थिति बहुत गंदी मैम, वहाँ से वहाँ जाओगे ना तो ऐसा लगता है कि इधर आए ही क्यों अपन, वहाँ के लोग कैसे सहते होंगे, आप उसका एहसास मैं कैसे दिलाऊं आपको। ठीक है, लेमिक्षा जी अब आप सुन भी रही हैं कि आपके पार्षद भी कह रहे हैं और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी समस्या का निराकरण कीजिए, क्योंकि अगर आपका मोहल्ला स्वच्छ होगा तो आपका शहर स्वच्छ होगा, आपकी गली स्वच्छ होगी, मोहल्ला स्वच्छ होगा, आपका शहर स्वच्छ होगा, नगर स्वच्छ होगा और उसके बाद प्रदेश भी स्वच्छ होगा। छोटे छोटे कार्य करने से ही एक अच्छे भारत का निर्माण किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी बातचीत के लिए। सतीश जी बहुत शुक्रिया, रमेश शुक्रिया, जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपके आगे भी लेंगे। राजनांदगांव